अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सैयद खुर्रम शहज़ाद और हालात आपके सामने हैं। आप देख रहे हैं कोरोना वायरस ने 100 से ज़ायद ममालिक के अंदर जो है हमला कर दिया है, वहाँ पे लोगों को अफेक्टेड करना शुरू कर दिया है। उनमें पाकिस्तान भी शामिल है, बहुत सारे ममालिक शामिल हैं, सबसे ज़्यादा इटली, चाइना और दीगर ममालिक कई ममालिक हैं जिनमें सबसे ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। तो मैं आपको चंद जो है एहतियाती तदाबीर बताऊंगा, इसका इलाज है कि नहीं ये तो मेरा अल्लाह जानता है, या जो लोग बना रहे हैं वैक्सीन वगैरह या जो कुछ भी उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं वो जानते होंगे, लेकिन मैं चंद एहतियाती तदाबीर बताता चलूं जो आप करके अपने आप को महफूज, अपनी हिफाजत कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और हमारी वीडियोज़ को लाइक किया करें और शेयर किया करें। तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे। तो सबसे पहले मैं आपको एहतियाती तदबीर जो कि हर एक को पता है लेकिन लापरवाही कर रहे हैं। आप देखें चाइना और इटली के अंदर वायरस के फैलने की जो वजह बनी है वो क्या बनी है, गैदरिंग, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, घरों से बाहर निकलना। जबकि तमाम कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट्स हैं वो बता रही हैं आपको घरों के अंदर रहें, अपनी हिफाजत करें, लेकिन नहीं, लोग यहाँ पे आपको मैं एक सबसे बड़ी चीज़ बताते चलूँ, लोगों को जब कहा गया कि घरों के अंदर रहें, लोगों ने उनको छुट्टियाँ मिली, कुछ सरकारी मुलाजिम कुछ प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब्स करते हैं उनको छुट्टियाँ मिली कि आप अपने घरों के अंदर रहें, हिफाजत से रहें। उन्होंने गाड़ियाँ बुक करवा के कोई बाइक्स के ऊपर घूमने फिरने जा रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं। किसी को ख्याल ही नहीं है कि ये चीज़ कितनी ख़तरनाक हो रही है, कितने हालात ख़राब हो रही हैं। आपको मैं एहतियाती तदबीर बताता चलूँ, एक तो मास्क पहन के रखें, दूसरा अगर घर से बाहर बहुत अशद ज़रूरत पड़े घर से बाहर जाने की तो बच्चों को मत भेजें, बिल्कुल भी बच्चों के साथ जो है लापरवाही मत करें। बच्चे बाहर जाते हैं तो वो मुख्तलिफ़ चीज़ों से हाथ लगाते हैं, बच्चों को किसी चीज़ का नहीं पता होता, वो फिर नॉर्मल रूटीन समझ के हर चीज़ को छू रहे होते हैं, हर चीज़ के साथ हाथ लगा रहे होते हैं। आप खुद जाएँ रखें और अच्छी तरह